impressive. यहाँ के बच्चा ले एक टीचर करवे वो स्कूल में पंखा और सुना पहले यहाँ के लिए एक कोचिंग टीचर करवे सुन पूछा जैसे स्कूल हाँ ये आजीवन अपन तैयारी करते हैं हमसे बात करें जिस दिन खुलाए थे उस दिन मैंने सोचा कि पापा से उतना नहीं हो पाया इसलिए मैं खुद अब पढ़ाता हूँ इसलिए मैंने अपने गांव में शुरू किया तो वहाँ पर थोड़ा सा आरोप लगा पापा का कहना है कि यहाँ स्कूल बनेगा कि नहीं हम बोले पूछ लीजिए प्रणाम पप्पू यादव बोले छे जी जी बात आइए पहले हम दो चीज करबे यहाँ के बच्चा ले एक टीचर करबे वो स्कूल में पंखा और सुना पहले यहाँ के लिए एक कोचिंग टीचर करबे सोनू चल जेते स्कूल वहाँ ही आजीवन अपन तैयारी करते अब तू छोड़ देना हम यहाँ के लिए कोचिंग टीचर करबे पहले दो तीन काम करा दे स्टेप बाय स्टेप थोड़ा लेकर और उसके बाद एडमिशन के लिए जब फाइनल होगा तो यही अपनी गाड़ी से आप यहाँ ठीक है ना पर नंबर ही नहीं था मेरे पास ए नंबर नूनू का सेव कर लेना ए बेटू का नंबर ले लेना मेरा नंबर दे देना नूनू आपने संकल्प ले लिया कि मुझे करना है तो संकल्प लिए तब बने आप नहीं आपने हिम्मत दिखाई ना जब लोग बोल रहा था पागल है तो आपके मन में क्या था उस समय हमके मन में यही था एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में हम सोच रहे थे कि उनको भी जो है और मेरे चाचा के बारे में सोच रहे थे वो बताते हैं अक्सर कि जब वो आईटीआई खोलवा रहे थे तो सभी लोग बोले थे कि उनमें भैंस बनेगा और भूसा रखाएगा और कुछ तो उस मन पर ध्यान नहीं देते और आगे अपने काम की उस प्रकार हम सोचे और एपीजे अब्दुल कलाम की तरह हम सोचे कि एक बार हार अवश्य हो जैसे उनकी रॉकेट एक बार फेल हुई थी उसी बार पास एक बार हम लोग फेल हो गए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन यहाँ पर आश्वासन कम से कम देते तो कहाँ हो लेकिन आश्वासन देते हैं सर हमको लिए उतना ही आप लोग आ रहे हैं बहुत ही हमको लिए स्वाभाविक आप बताइए ना कि स्कूल नहीं बन पाया सात दिन के अंदर बेटा मुख्यमंत्री तो भगवान से ज्यादा काम कर सकता है क्योंकि वो धरती का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री होता है बगल में पासवान टोली है एक भी बच्चे नहीं पढ़ते बेटा शौचालय नहीं है क्या होगा आप ही बताइए हाँ ये तो हम कभी आप बगल में गांव है ना मुख्यमंत्री का यस हाँ यस बगल में गांव होने के चलते आप मिल लिए लेकिन उसके बाद क्या होगा बेटा